शुद्ध रहें, दूसरों के साथ छल कपट ना करें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, ये सभी पूजाओं का सार है, ऐसा कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का बहुत बहुत एक नए एपिसोड और नई जगह से। जगह है रानी सती नगर, निर्माण नगर, जयपुर। प्रॉपर्टी है डुप्लेक्स, साइज है, डायमेंशन है 20x60, 20x60, 4BHK डुप्लेक्स है। बहुत खास है ये प्रॉपर्टी, विस्तार से बात करेंगे इसके बारे में, विस्तार से इसकी डिटेलिंग पे बात करेंगे। एंटरटेनमेंट के लिए क्या खास है इस प्रॉपर्टी में, फुली फर्निश किस कैटेगरी में किया गया है, एमेनिटीज या फिर मैं बात करूं स्टफ जो यूज किए हैं किस क्वालिटी किस कंडीशन के हैं, विस्तार से बात करेंगे इन सब के बारे में। आप इंट्रो एंजॉय कर लें इस प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का फ्रंट एलिवेशन, ईस्ट फेसिंग आती है प्रॉपर्टी। वास्तु का 100% ध्यान रखा गया है इस प्रॉपर्टी को बनाते समय। यह है इसकी ब्रॉड पार्किंग, ब्रॉड पार्किंग है। कोई लग्जरी गाड़ी, लग्जरी सेडान, लग्जरी एसयूवी आप इसमें पार्क कर सकते हो। और यह एक एक्स्ट्रा एरिया आता है आपकी टू व्हीलर पार्किंग के लिए, आप जिस तरह से यूज करना चाहो उसके लिए। पार्किंग एरिया में ही आती है आपकी सूरेट के लिए ऑप्शन, आप जूते यहां पार्क कर सकते हो अपने। और ये स्पेस आता है आपके गैस सिलेंडर वगैरह के लिए, आप इसमें प्लान कर सकते हो गैस सिलेंडर को, जब तक गैस पाइपलाइन नहीं आती अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं एक शानदार और खूबसूरत सफर पर। पार्किंग वाले एरिया को इतने खूबसूरत तरह से सजाया गया है,
कि ये एक तरह से आपके फोटो फ्रेमिंग अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ चीज आती है। आइए, स्वागत है आप सब लोगों का एक शानदार वाले डुप्लेक्स में। जैसे ही आप इस प्रॉपर्टी में एंटर करते हो, ये आती है इसकी ड्रॉइंग या लिविंग स्पेस, जिसको अपन कहते हैं लिविंग स्पेस। से पहले, जैसा हमने बताया कि ये प्रॉपर्टी ईस्ट फेसिंग है और ईस्ट फेसिंग में वास्तु का रखा गया ध्यान, तो ये आता है किसान कौन, पूजा के लिए परफेक्ट जगह है। और राइट एंड में आती है अपने किचन, ये आती है आपके अग्निकोण में। ये अग्निकोण है इसका, किचन है फुली फर्निश्ड, फुली फर्निश कैटेगरी की किचन है, जिसमें हेलिका की चिमनी आती है और बाकी स्टफ आते हैं फुली फर्निश्ड। सॉफ्ट क्लोजर आती है, ये क्वालिटी का अंदाजा इससे लग जाता है। ये आता है एक एक्स्ट्रा स्टफ वगैरह प्लान करने के हिसाब से। हाइड्रोलिक है इसकी, ये हाइड्रोलिक है, ये थोड़ा सा बेनिफिट है। सामने कुछ एक्स्ट्रा रैक लगाई गई है, तो जो भी एक्स्ट्रा स्टफ है वो आप यहाँ पास कर सकते हो। ये स्पेस आता है आपके फ्रिज के लिए। और ये आती है आपकी गैस पाइपलाइन, जो ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पार्किंग वाले एरिया से हम लोग बात कर रहे हैं। इसके जस्ट सामने वाला जो स्पेस आता है, ये आपका लिविंग और डाइनिंग दोनों स्पेस आता है, और दोनों को बड़ी खूबसूरती से इसमें कवर किया गया है। इसमें जो आपके सीनरीज प्लान की गई है, या फिर आपकी इस पर्टिकुलर जगह को जिस तरह से खूबसूरत बनाया गया है, वो इसमें, इसको पीछे विंडो की तरह इसको प्लान किया गया है। तो जो आप सीनरीज लगा रहे हो, जो पेंटिंग्स लगा रहे हो, या फिर आप अपनी मेमोरीज यहाँ पे लगा रहे हो, तो वो क्या काफी सेफ और सिक्योर वे में रहती हैं। प्लस बॉम्बाइट कलर की लाइट प्लान की है इसमें से मार्बल में, तो वो जब इन पे गिरती है तो घर की खूबसूरती में चार चांद लगते हैं इससे। ये आपका लिविंग स्पेस है। मंदिर बक्के सामने वाला एरिया है, किचन के सामने वाले स्पेस को ओपन छोड़ा गया है। उसके पीछे रीजन है, अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया में बैठ के खाना खाना पसंद करते हो, तो वो आप इस पर यूज कर सकते हो। ये आपका आता है लिविंग स्पेस। और इसके जस्ट सामने वाला जो स्पेस है, ये आता है आपका टीवी का कैबिनेट। प्रॉप यूज किए गए हैं, बुद्धा यूज किया गया है इसमें, शांति और समृद्धि का प्रतीक है, तो उसको बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर डिजाइन किया गया है, जो पूरे घर की शोभा बढ़ाता है। ये आता है आपका डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग टेबल है क्रीम कलर की, उसके साथ यूज की गई है चेयर्स। और बगल वाला स्पेस जो आता है, ये आता है आपका स्टोर। ये सीढ़ियों के नीचे वाला एरिया है, वुडन के साथ प्लान किया गया शानदार स्टोर है। इसमें जितना भी घर का एक्सेस सामान है, उसके लिए आपको ना किसी कोने की या फिर किसी एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं होती। इसके जस्ट बगल में आता है आपका वॉशरूम। ये आपके डाइनिंग और आपके लिविंग स्पेस में काम आने वाली चीज है, जो उसी के लिए रिजर्व है। ये पहला बेडरूम आता है इस प्रॉपर्टी का, शानदार, खूबसूरत, बिंदास, आलीशान। बैक यार्ड पे वुडन से काम किया गया है, तो ये जो स्टफ आपको दिख रहा है, डल कलर यूज किया है, मध्यम कलर यूज किया है, बॉयलेंट नहीं लगता, और ये आपको काफी टाइम तक एक्साइटेड करेगा। LG का आता है इसमें डुअल इन्वर्टर AC। सामने आती है वुडन की कवर्ड, जो वुडन कलर से ही प्लान की है, बहुत खूबसूरत व्यू देती है। और ये आता है इसका टीवी का कैबिनेट, अगर आप अपने बेडरूम में पर्सनल टीवी यूज करना चाहते हो, ये स्पेस उसके लिए। इसके जस्ट सामने आता है आपका अटैच वॉशरूम। ये अटैच वॉशरूम है इसका, इसमें ग्लास प्लान करना हो या बाकी चीजें प्लान करनी हो, कमोड हो, सारी जो सैनिटरी आती है इसमें हिंदवेयर की आती है। अगर पर्दे को हटा के बात करें, तो ये बैक स्पेस है इसका, और बैक स्पेस आता है आपके वॉश एरिया के हिसाब से। ये आपका वॉश एरिया भी हो सकता है, और ये आप यू कैन क्रिएटेड एज ए स्पेस फॉर सिटिंग, मतलब आपको लग रहा है कि कपड़े धोने, कपड़े सुखाने, उसके लिए काफी खूबसूरत स्पेस है। बाकी इसमें पर्दे प्लान किए गए हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, जो बड़ा चार्मिंग लुक देते हैं। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा रैक भी बनाई गई हैं। जनरली घर प्लान करते समय जो चीजें याद नहीं आती, वो आती है कि घर का जो इतना सारा सामान हर दिवाली पर निकलेगा, या इतनी सारी चीजों को स्टोर करने के लिए जगह चाहिएगी, उनके लिए स्पेस ना है, तो भरपूर स्पेस इस्तेमाल किया है। फर्स्ट फ्लोर के सफर पे चलेंगे, रेलिंग जो आती है वुडन की आती है, और बड़ी खूबसूरती प्रॉप के साथ इनको यूज किया गया है। ये है इसका फर्स्ट फ्लोर। जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हो, वुडन के साथ में प्लान की गई है लाइट ग्रीन कलर की वुडन प्लान की गई है इस पे वॉल के ऊपर, और लाइट के साथ किया गया उसको डिजाइन, बहुत ही खूबसूरत और चार्मिंग व्यू देती है। ये सेकंड बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का, ग्राउंड फ्लोर की तरह भव्य, आलीशान और ब्रॉड। कवर्ड प्लान किए हैं इसमें स्लाइडर वाली, तो आपके बेडरूम का जो साइज है वो हैम्पर नहीं होता इसे। ये स्लाइडर डोर है,
बेडरूम का साइज हैम्पर नहीं होता। बैक कलर में वुडन रिप के साथ में जो प्लान किया गया शानदार है वॉलपेपर। ये सामने वाला रैक आता है इसका, और ये आता है इसका ब्रॉड वॉशरूम। इसमें आता है इसके साथ जगुजी। ये फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम है या फिर प्रॉपर्टी का दूसरा बेडरूम, और सामने आता है इसके ग्लास। सेंसर से प्लान किया है इसको, अपन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी लाइट कम ज्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं। वॉल फिटेड है इसकी सारी कमोड, तो उसमें क्वालिटी पता चलती है कि किस स्टफ के साथ में इसको यूज किया गया है। ये फ्रंट बेडरूम है, इसको आप सीट कैटेगरी का बेडरूम कह सकते हैं। जिस साइज के साथ, जिस फ्लो के साथ इसको प्लान किया गया, तो पूरी जो फ्रंट आता है इसका वो आता है 20। तो इसकी चौड़ाई जो आती है वो आती है 20। ये है आपके बेडरूम का साइज। बेडरूम के साइज को कवर करने के बाद में ऑलमोस्ट इससे डेढ़ गुना स्पेस यहाँ पे ओपन बच जाता है, तो वो एक ब्रॉडनेस का एहसास आपको देता है। इसके जस्ट सामने आता है आपका वॉशरूम, और बेड के जस्ट सामने आता है टीवी का कैबिनेट। शानदार तरह से डिजाइन किया हुआ वॉशरूम है और ब्रॉड है। अगर आप साइज के हिसाब से बात करें तो ब्रॉड वॉशरूम है, कंजेस्टेड फील नहीं होता। ये फ्रंट एलिवेशन आता है आपकी खिड़कियों का या डोर्स का, तो बहुत ही क्लासी और चार्मिंग देता है लुक आपको। स्लाइडर डोर का किया है इसमें इस्तेमाल। ये आती है आपकी बालकनी, बालकनी कहूं इसको, टेरेस कहूं, जिस खूबसूरती के साथ प्लान किया गया है। वुडन की रिप प्लान की है अंदर जाने के लिए, और आप अगर गेट की क्वालिटी देखें, गेट का व्यू देखें, तो बड़ा खूबसूरत और शानदार लुक देता है। छत प्लान की है वुडन कलर की टाइल्स के साथ में, बड़ी खूबसूरत होती है। तो ये परफेक्टली आपकी पर्सनल टेरेस आ जाती है, ब्रॉड आलीशान, और एक तरह से अगर मैं बात करूं स्वीट कैटेगरी के रूम के साथ। सबसे बड़ा रूम है इस प्रॉपर्टी का, वुडन कवर्ड है, वो प्रॉपर प्लान की है। यहां से लेके पूरी वॉल वुडन कवर्ड के साथ प्लान है। तो जितने भी आपके स्टफ हैं, कुछ नेसेसरी चीजें हैं, प्रीसियस चीजें हैं, उनको स्टोर करने के लिए मोर देन सफिशियंट स्पेस प्लान करके दिया। ईस्ट फेसिंग है, रोशनी प्रॉपर रहती है। ईस्ट फेसिंग है तो वेंटिलेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। अब चलेंगे हम इसके एंटरटेनमेंट सेक्शन के लिए। ये हो गया आपका ब्रॉड शानदार भव्य डुप्लेक्स, और उसके बाद इस प्रॉपर्टी चूंकि इतनी बड़ी और इतने शानदार एरिया में, तो एंटरटेनमेंट के लिए हमने इसमें खास अरेंजमेंट किया है। ये आता है आपका मिड वाला एरिया, जो ग्राउंड फ्लोर की आपकी डाइनिंग स्पेस से लेकर टॉप फ्लोर तक आता है। ये झूमर आपको ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर तक बहुत ही खूबसूरत और शानदार एहसास देता है। ये आता है एक, अब इसको गेस्ट रूम कह लो, किड्स रूम कह लो, या बहुत ही क्वीट स्वीट शानदार प्रीमियम क्लासी और आलीशान रूम। टॉप फ्लोर का ये रूम है, ये चौथा बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का। सामने प्रॉपर ब्रॉड बड़ी वुडन कवर्ड प्लान किया है, और बाहर आती है इसकी छत। ये आती है इसकी रूफ। आप रूफ को पेंट हाउस किस तरह से डेवलप करना है, ग्रीनरीज किस तरह से प्लान करनी है, या फिर झूले किस तरह से लगाना है, ये आपके विवेक पे है। आप अपने अनुसार ये चीजें बना सकते हो। अब ये प्रॉपर्टी की यूएसबी, आपको इतनी शानदार बवाल बेहिसाब क्लासी चीज बताते हैं। ये आता है इस प्रॉपर्टी का सरप्राइज एलिमेंट, या फिर मैं बात करूं शानदार धांसू बवाल बेमिसाल होम थिएटर। ये आपका होम थिएटर है, ये है इसकी स्क्रीन, और सामने आता है इसका प्रोजेक्टर। साइज के हिसाब से बात करें तो ब्रॉड है, आप सोके यहां एंजॉय कर सकते हो अपनी फेवरेट वेब सीरीज का, आप यहां सोके बैठ के एंजॉय कर सकते हो। मोर देन 10, 15, 12 जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सबके साथ आनंद लीजिए इस प्रॉपर्टी का। और जिस तरह से इस होम थिएटर को डिजाइन किया गया है कि साउंड मैन इंपैक्ट होता है होम थिएटर बनाने के पीछे, की साउंड मतलब इसमें जो साउंड आएगी वो ऐसा तो नहीं है बाहर जाएगी या फटके आएगी, तो जिस तरह से इसको डिजाइन किया गया इसके पीछे रीजन है कि इसकी साउंड का आनंद आपको प्रॉपर मिले। JBL का ये है पूरा सिस्टम, और सामने प्लान किए हैं इसमें स्वीट कैटेगरी की चेयर। ये सामने प्लान किए हैं इसमें स्वीट कैटेगरी की चेयर।
आपकी मूवी, आपकी फिल्म, आपके एंटरटेनमेंट का मजा 10 गुना, 20 गुना या 1000 गुना करती है प्रॉपर्टी। चार चेयर्स हैं ये, बहुत ही खूबसूरती से प्लान की हुई, आप एडजस्ट कर सकते हो इनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइक दिस। और ये वाला स्पेस आता है कि अगर आप अपनी मूवी, फेवरेट शोज, अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, पार्टी, परिवार के साथ एंजॉय करना चाहते हैं लेट के, सो के, रात में, दिन में, जब भी आपको कन्वीनियंट लगे, तो ये स्पेस आता है उसके लिए। अब आती है इसकी प्राइस की आस्किंग की बात, 2.3 सी आर एस की आस्किंग। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है कि आप प्राइस नहीं बताते हो या प्राइस नहीं बताते हैं। प्राइस एक ऐसा अपडेट है कि जनरली किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो जब तक आपने प्रॉपर्टी का टूर नहीं किया, जब तक आपने प्रॉपर्टी की विजिबिलिटी नहीं ली, जब तक आपने प्रॉपर्टी का फील नहीं लिया, उससे पहले ये बताना कि प्राइस क्या है इसकी, तो वो एक तरह से उस रोमांच का, उस आनंद का, उस सफर का मजा फीका कर देती है। 2.3 सी आर है इसकी आस्किंग, 90B है ये प्रॉपर्टी, जेडीए पट्टा नहीं है, रानी सती नगर, निर्माण नगर में। तो आप ध्यान रखें इस चीज का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी वीडियो को सराहने के लिए, याद रखने के लिए, कॉल करने के लिए और हमें एंटरटेन करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।